Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. अब है वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। अभी तक हम बैक्टीरिया का पढ़ते आ रहे थे। PBR322 किसका एग्जांपल है? PBR322 है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। अब हम पढ़ेंगे भाई प्लांट और एनिमल के लिए भी तो कोई ना कोई होता ही होगा। तो आपने कहते ना नाम तो बहुत सुना होगा। चलिए देखिए, एग्रोबैक्टीरियम क्यूमीफेसियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। ये बड़ा फेमस है बैक्टीरिया, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। कौन है ये? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। हम तो इंसर्ट करा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में जाके, है ना, बट ये अपने आप में इंसर्शन कर देता है, जीन ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो इसकी दो स्पीसीज हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्यूमीफेसियंस से आपका जनरेट होता है TI प्लाज्मेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये क्या है आपका TI प्लाज्मेट, और इससे कौन सा जीन आपको क्या प्राप्त होता है, TDNA प्राप्त होता है, ठीक है ना। कौन सी जीन मिलती है आपको? TDNA, ठीक है। अब जो ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो है उससे आपको मिलती है RDNA, RI प्लाज्मिड है, क्योंकि ये TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन बन सकता है कि TI प्लाज्मिड किससे मिलेगी? TI प्लाज्मिड ट्यूमीफेसियंस से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से, RI प्लाज्मिड राइजोजीन्स से, ठीक है। इससे ऑब्टेन हो रहा है आपका RDNA, क्लियर है। अब देखिए, ये सिर्फ जो डिसीज कॉज करता है वो किस में करेगा? डाइकॉट में। किस में करेगा ये? डाइकॉट में। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका काम क्या है TI प्लाज्मिड को, कोई भी नॉर्मल सेल होती है ना, नॉर्मल सेल को ट्यूमर इंड्यूसिंग बना देता है, ट्यूमर कॉज कर देता है ये, ठीक है। मैंने आपको यहाँ चार्ट में ऊपर समझाया हुआ है, एक मिनट देख लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर प्लांट TI प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, TI से मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग, रेट्रोवायरस एनिमल के लिए है, ठीक है, यही बता रही थी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मल सेल में ट्यूमर इंड्यूस कर देता है, यानी कोई प्लांट है, सपोज करो, एक मिनट यहीं बनाना पड़ेगा, ये कोई प्लांट है भाई, ठीक है, मेरा तो प्लांट भी एकदम सुंदर बनेगा, देखिए ये कोई प्लांट है। इसके अंदर ये क्या करेगा, ये देखेगा कहीं वुंड तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, और ये वहीं अपने जीन को वहाँ से ट्रांसफ़र करने लगता है। ये तो नॉर्मल सेल है, हल्का सा कहीं घाव कट उसको मिल गया और वहाँ से ही अपने ट्यूमर के जीन को इंसर्ट करा देता है, TI प्लाज्मिड TDNA को इंसर्ट करा देगा वहाँ से, और क्या क्रिएट हो जाएगा उसमें, क्या क्रिएट हो जाएगा उसमें, क्राउन कॉल डिजीज, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, कौन सी डिजीज़ क्लियर हो जाती है उसमें? क्राउन गॉल डिजीज़। अब एक चीज़ और है, इसका जो जीन होता है उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और होता है, ठीक है। कभी आप TI प्लाज्मिड का डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये TI प्लाज्मिड का डायग्राम है, इसमें TDNA रीजन दिखाई दे रहा है, और TDNA रीजन में आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जो एरिया है यही आपका TDNA रीजन जो है, यही आपका क्या कॉज करता है, ये डिजीज़ कॉज करने का काम करता है, ट्यूमरस सेल यानी कि ग्रो करा देगा, मल्टीपल सेल जनरेट यहाँ पे कर देगा, जहाँ पर इंट्रोड्यूस करा उसने अपने जीन को, वहाँ पर मल्टीपल सेल जो है वो ग्रो करने लगेंगी। मल्टीपल सेल मीन्स यानी कि वहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी, ट्यूमर कॉज कर देगा वो, ओके। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि TI प्लाज्मिड से तो क्राउन गॉल डिजीज़ क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो बता दूंगी कौन से में आया है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्राउन गॉल डिजीज़ हो रहा है आपका, ठीक है,
ट्यूमीफेसियंस से, और हेयरी रूट डिसीज किससे हो रहा है, राइजोजीन से। यह क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, या आरआई प्लाज्मिड से या टीआई प्लाज्मिड से, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए।